कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए की नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले साइबर ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दो सगे भाई समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से नशीली दवाएं, लैपटॉप, लग्जरी कार और नकदी बरामद की है। आरोपियों के जरिए यूएसए और यूके में करोड़ों रुपए की नशीली दवाओं का कारोबार किया जा रहा था। आपको बता दें कि आरोपी पहले फर्जी वर्चुअल आईडी बनाकर ग्राहकों को फंसाते थे, इसके बाद ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग कर नशीली दवाओं का ऑनलाइन व्यापार करते थे। ऑनलाइन ऐप और क्रिप्टो करेंसी के जरिए ऑनलाइन पैसों का ट्रांजैक्शन भी होता था। इसके साथ ही आरोपियों ने अवैध गतिविधियों से संपत्ति अर्जित करके जमीनी रजिस्ट्री करवाई हुई है। 50 लाख रुपए की महंगी गाड़ियां, घड़ी, लैपटॉप और मोबाइल फोन खरीदे गए हैं, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया है। लखनऊ से विकास बार्सी की रिपोर्ट। के में करोड़ों रुपए की नशीली दवाओं का इलिसिट ड्रग्स की ड्रग ट्रैफिकिंग करने वाले साइबर ड्रग अपराधियों के गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन्होंने क्रिप्टो करेंसी और वेस्टर्न यूनियन और पेपाल और कंपनी बना के करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन इसमें किया है, जिसमें से इनको 2 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट मिला है। अवैध ड्रग्स को ये अपने एजेंट्स के माध्यम से अमेरिका में जो ऑलरेडी रहते थे।